नमस्कार दर्शकों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपने अधिकतर लोगों के घरों में घोड़े की फ़ोटो लगी हुई देखा होगा और ख़ासकर सात घोड़े की एक साथ फ़ोटो लगे हुए देखा होगा और हर एक घोड़ा दौड़ता हुआ नज़र आ रहा होगा। आप यह तस्वीर ऐसे घरों में देखते हैं जो घर काफ़ी अमीर हैं और काफ़ी ज़्यादा तरक्की की ओर चल रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये तस्वीर क्यों लगाई जाती है और हमने इस आर्टिकल को हम आपको इस तस्वीर से जुड़ी क्या जानकारी देने वाले हैं। आइए जान लेते हैं। वास्तुशास्त्र हो या हमारे वैदिक शास्त्र हो, शिव महापुराण में भी लिखा गया है कि घोड़े को यानी अश्व को दौड़ते हुए अगर आप देखते हैं, दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीर लगाना बहुत ही शुभ माना गया है और शिव महापुराण में भी वर्जित किया गया है। साथ ही अनेक ग्रंथों में भी वर्णित किया गया है कि अश्व यानी घोड़ा बहुत ही शुभ होता है। घोड़े पर भगवान भोलेनाथ भी सवारी करते हैं। साथ ही कल्कि अवतार में भगवान गणेश आने वाले कलयुग में घोड़े पर ही सवार होकर आने वाले हैं। दौड़ते हुए घोड़े काफ़ी खूबसूरत तो लगते ही हैं, साथ ही आपकी किस्मत चमकाने का भी काम करते हैं। कहते हैं कि इस तस्वीर को घर में लगाने से घर परिवार के लोगों की तरक्की होने लगती है, आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है, साथ ही धन की आवक शुरू हो जाती है और आप जिस भी कार्य क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं, आपका बिजनेस, आपकी दुकान, आपका कारोबार, आपका ऑफिस तेज़ी से तरक्की करने लगता है, क्योंकि दौड़ते हुए घोड़े सफलता, प्रगति और ताकत का प्रतीक माने गए हैं। आगे जानते हैं कि इस तस्वीर को आप अपने घर में, ऑफिस में या फिर कार्यस्थल पर किस स्थान पर लगाएं और किन किन बातों का ध्यान रखें। अगर आपके घर की स्थिति अच्छी नहीं है, घर में वास्तु दोष हैं, ग्रह दोष हैं, क्लेश आदि होते हैं, तो आप इसे अपने घर में किस स्थान पर लगाना चाहिए, तो इसे आप अपने घर के पूर्व स्थान पर लगाएँ। जिस स्थान पर आप मंदिर रखते हैं, आपके घर में पूजा स्थान जिस स्थान पर है, वहीं पर आप दीवार पर इस घोड़े की तस्वीर को लगाएं। सात घोड़े एक साथ दौड़ते हुए मिल जाएं, आपको यह तस्वीर मिल जाती है, तो आप इसे अपने घर में ज़रूर लगाएं और पूर्व दिशा की ओर अवश्य लगाएं। इससे आपके घर में तरक्की होने लगेगी, आपसी कलह भी दूर हो जाएंगे, व्यक्ति के मन में शांति मिलती है, मानसिक स्थिति भी सुधरने लगती है, मान सम्मान बढ़ने लगता है और तरक्की होने लगती है। दक्षिण दिशा की दीवार पर इसे गलती से भी नहीं लगाया जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आप अपने ऑफिस में इसे लगाना चाहते हैं, बिजनेस को और बढ़ाना चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, तो इसे आप अपने घर के या घर में, अगर आपका ऑफिस है तो घर में ही लगा लें, या फिर आप अपने ऑफिस में लगाना चाहते हैं तो इस तस्वीर को दक्षिण दिशा में लगाएं। दक्षिण दिशा में पूजा करके प्रतिष्ठा जैसे की जाती है किसी भी देवता, देवी देवताओं की, उसी तरीके से आपको पूजा पाठ करके इस तस्वीर को वॉल पर यानी दीवार पर स्थापित कर देना है। आपको क्या गलतियां नहीं करनी है इस तस्वीर को लगाते हुए, वह हम आपको बता देते हैं। इन बातों का विशेष ध्यान रख लेना। अगर आप इन बातों का विशेष ध्यान रख के पूजा पाठ करके इस तस्वीर को लगाते हैं तो आपको 100% लाभ मिलेगा और शीघ्र अतिशीघ्र 24 घंटे के अंदर ही लाभ मिलने लगेगा। सात घोड़े दौड़ते हुए तस्वीर अगर आप लगा रहे हैं और जो भी तस्वीर आप लगाते हैं घोड़े की, वह बिल्कुल साफ स्पष्ट दिखने वाली होनी चाहिए, धुंधली नहीं होनी चाहिए, स्पष्ट घोड़े दौड़ते हुए दिखाई देने चाहिए, साफ साफ यह तस्वीर लगाएं। और आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि घोड़े आपस में बंधे हुए नहीं होने चाहिए, उनमें कोई रस्सी बंधी हुई नहीं होनी चाहिए, ऐसी तस्वीर लेकर के आएँ, और उनका मुख्य प्रसन्न चित्त में होना चाहिए, मुख उनका प्रसन्न होना चाहिए, ऐसे घोड़े की तस्वीर आप लेकर के आएँ, ऊपर उठे हुए सिर वाले घोड़े की तस्वीर ज़रूर ले आएँ। और सात घोड़े की तस्वीर अगर आप ला रहे हैं तो उसका कांच फ्रेम कहीं से टूटी फूटी ना हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, और कम से कम पाँच या सात घोड़े अवश्य होने चाहिए, पाँच नहीं बिल्कुल सात ही होने चाहिए, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। घोड़े का रंग बिल्कुल सफ़ेद होना चाहिए, चमकदार होना चाहिए, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है, और
पूजा पाठ करके ही इस तस्वीर को अपने दीवार पर लगाना चाहिए और जिस भी कार्य के लिए आप इस तस्वीर को लगा रहे हैं मन में वही भाव होने चाहिए। पूरी खुशी से, निष्ठा से, श्रद्धा से भगवान से प्रार्थना करते हुए इस तस्वीर को लगाना चाहिए। घोड़ा पूजा पाठ में, यज्ञों में भी शामिल किया जाता है। बिना घोड़े के कोई भी यज्ञ संपन्न नहीं होता है, आपको भी पता होगा। अश्वमेघ यज्ञ फल कितना मिलता है वह भी पता होगा। तो दर्शकों, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।